नगर विधायक मनीष सजीदा ने तत्काल समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश शासन में प्रस्ताव भेजकर पास कराने का कार्य किया। आपको बता दें कि 855 बंदियों की क्षमता वाले जिला कारागार में वर्तमान में 1853 बंदी निरुद्ध हैं। वर्तमान में मिलाई घर का स्थान काफ़ी छोटा पड़ता था और छत भी बहुत ऊंचाई पर ढली हुई थी। इसके कारण बंदियों और मुलाकात करने वाले के बीच होने वाली बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न हो जाता था और मुलाकातियों तथा बंदियों के मध्य बातचीत नहीं हो पाती थी। जेल प्रशासन मुलाकातियों को होने वाली इस परेशानी से नगर विधायक मनीष सजीजा को अवगत कराया गया। इस कार्य में मुलाकात घर विस्तार करते हुए नवनिर्माण कार्य कराया गया और पुराने भाग की मरम्मत करते हुए छत पर फाल सीलिंग लगाई जाएगी। फिरोजाबाद से श्री कृष्ण चित्तौड़ी की रिपोर्ट, SGS न्यूज जी। तो मिलने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं तो छोटी जगह होने के कारण और छत नीची होने के कारण आवाज़ से आवाज़ टकराती थी। मिलाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने परिवार समाज क्षेत्र से कटा हुआ यहाँ बंदी जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है वो अपने मिलने वालों से अपने परिवार अपने आसपास के अपने रिश्तेदार नातेदारों के हवाल लेता है और मिलने वाला जो कैदी से या निरुद्ध बंदी से पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल है। तो दोनों वार्तालाप में जो बाधा होती थी जो सुनने में तो हमको मामूली लगेगी लेकिन किसी भी मिलाई के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की भावनाएं जो शब्दों के रूप से एक दूसरे के कानों तक पहुंचे वो ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। मुझे जेल अधीक्षक महोदय और उनके पूरे प्रशासन ने अवगत कराया कि बंदी गृह का विस्तार कराया जाना चाहिए और पुराने बंदी गृह पर इस प्रकार की व्यवस्था करानी चाहिए जिसमें की आवाज़ कम हुई है। किस तरह भूमि पूजन किया गया? देखिए ये आपके पीछे की तरफ ये जो है मुलाकात गृह है जिसमें मिलाई होती है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं स्वगत जो है जो हमारे कारागार हैं उसमें बंदियों की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा की संख्या में बंदी निरुद्ध है। उस कारण से सब जगह पर स्थान का अभाव सा रहता है। अब एक जो टेक्निकल कमी थी जो मुझे जेल अधीक्षक महोदय ने बताई और जेल के जो प्रशासन ने मुझे बताया कि जो मुलाकाती आते हैं परिवार के लोग तो वो जो मुलाकात घर है वो छोटा है, उसकी छत नीची है, अधिक लोगों के बैठने से आपस में एक दूसरे की आवाज़ टकराती है और एक बंदी और मिलाई के बीच में सबसे बड़ी बात ही ये होती है कि यहाँ समाज और अपने परिवार से कटा हुआ व्यक्ति अपने से मिलने वाले से अपने परिवार की अपने क्षेत्र की अपने समाज की अपने इष्टजनों की कुशल क्षेम और उनके हाल अहवाल जानना चाहता है और इसी प्रकार जो मुलाकात करने आता है वो अपने परिवार के सदस्य से पूछना चाहता है कि आपकी यहाँ क्या मतलब कैसे हो क्या है। अब वो जो वार्तालाप है वो यहाँ के माहौल से हो ही नहीं पाता था। तो यहाँ पर हमने यहाँ जिला अधीक्षक महोदय और उनके जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया उसको हमने शासन में प्रस्तुत किया और आज 71 लाख रुपए की लागत का जो मिलाई घर है उसका विस्तार हो रहा है और पुराने मिलाई घर पर जो छत है उस पर फॉल सीलिंग लग रही है। फॉल सीलिंग से क्या होता है, आवाज़ थोड़ी जो गूंजती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसा मुझे जिला अधीक्षक महोदय ने बताया है कि ये पहला एक प्रयोग है और अगर ये प्रयोग हम लोगों का अच्छा सफल होगा तो ये पूरे प्रदेश के कारागारों में इसको करा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो अन्य जो काम हुए हैं उनमें से कई काम ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के किसी भी कारागार में नहीं हुए, जैसा जैसा हमारा ये सामुदायिक हॉल है ये भी उसी श्रेणी में आता है। मैं आज यहाँ पूरे जेल प्रशासन को, मेरी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, मेरे पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता उपस्थित है उन सबको, मेरी पार्टी के मुखिया, मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूँ।